सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास वैलोरेंट में एरर आ रहा है, वैलोरेंट जो है ओपन नहीं हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइज, आपको जो है सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रियोट क्लाइंट, तो आपको जो है इसको राइट क्लिक कर यहाँ पर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वैलोरेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप जो है इसको क्लोज कीजिए। फिर आपको सी ड्राइव में जाना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करना है। आप जो भी ड्राइव में गेम को इंस्टॉल किया है तो आप जो है वो ड्राइव ओपन कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास सी ड्राइव में गेम इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव को जो है ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रियोट गेम्स का एक फोल्डर है, आपको इसको ओपन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर वैलोरेंट का जो फोल्डर है इसको आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइव फोल्डर है, इसको भी आपको ओपन कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलोरेंट एप्लीकेशन है, राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर कंपेटिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको जो है इस बॉक्स में चेक करना है। फिर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर शूटर गेम ये फोल्डर को ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बिनरीज ये इस फोल्डर को ओपन कर देना है। फिर यहाँ पर ये वाले फोल्डर को ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलोरेंट विन 64 शिपिंग, आपको इसको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंपेटिबिलिटी में आना है। फिर आपको यहाँ पर डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, आप जो है इसको यहाँ पर इस बॉक्स में चेक कीजिए। उसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको जो है डिस्प्ले अडाप्टर के ड्राइवर जो है आपको अपडेट कर देना है। विंडोज के सर्च बार में जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है डिवाइस मैनेजर, इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर आप जो है इसको एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को जो है आपको सेलेक्ट करना है। फिर राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर और एक बार से राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, आपको जो है इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इसको जो आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जो इसको सेलेक्ट कर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर अपडेट हो रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये सेटिंग को जो है क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको पीसी को एक बार रिस्टार्ट कर आप जो है वैलोरेंट ओपन कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास वैलोरेंट में ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।